कंट्रोल में इस वक्त स्पीकर पंजाब असेंबली सिपैन खान और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली इनायतुल्ला लक के पास है। और अपोजिशन ने एक करारदाद भी जमा करवाई थी जिसमें कहा गया था कि जब वजीर आला इत्मीनान का वोट ले तो उस दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इस तमाम मामले से दूर रखा जाए, क्योंकि स्पीकर जो है सिपैन खान और डिप्टी स्पीकर अब्बास साथ रहे। आसिम नसीर, आप बताइए, वोटिंग का अमल शुरू हुआ या नहीं हुआ अभी तक? बताया जा रहा है कि जो वोटिंग का अमल है उसे बकायदा तौर पर शुरू किया जा रहा है, और बकायदा तौर पर वोटिंग का अमल जो उनका तरीकाकार बताने के बाद जो इस वक्त जो वोटिंग के लिए कहा जा रहा है कि जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो एक तरफ जाएंगे, और जो अभी क्योंकि उन तमाम लोगों को एक साइड पर किया जा रहा है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईवान के अंदर चौधरी परवेज रई भी मौजूद है, लेकिन अपोजिशन का भरपूर एहतजाज जा रहा है, शदीद नारेबाजी चल रही है, और क्योंकि हम इस वक्त वहां से थोड़ा सा बाहर आके सिग्नल की वजह से ये कर रहे हैं और बार बार अंदर बाहर होना पड़ रहा है, तो लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वोटिंग के लिए बाकायदा तौर पर कह दिया गया है कि वोटिंग इस पर की जाएगी, लेकिन ये खुफिया राय शुमारी है और इसके अंदर अब ये देखना है कि ये इसे किस तरह कराते हैं। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं 12:24 पर ये इजलास शुरू हुआ था 12 जनवरी का, जिसमें इत्माद के वोट का कहा गया, इत्माद के वोट का कहने के बावजूद अभी तक ना मीडिया को इसका एजेंडा दिया गया है, ना इसकी बकायदा तौर पर प्रिंटेड कॉपीज दी जाती हैं, और व्हाट्सएप पर भी जो एक्रीडिटेड जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो पंजाब असेंबली का की कार्रवाई को कवर करते हैं उन्हें इसकी बकायदा तौर पर कार्रवाई की कॉपी भी भिजवाई जाती है, जो हम बार बार मांग भी रहे हैं अभी तक नहीं दी जा रही, लेकिन बाजाबता तौर पर जो कार्रवाई थी वो शुरू हो चुकी है। स्पीकर साहब ने उसका ऐलान कर दिया। पंजाब असेंबली ने बकायदा तौर पर उस पर जो है पढ़ के सुनाया कि कायदे जवाबत के तहत वजीर पंजाब के लिए इत्माद के वोट की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा, उन्होंने प्रोसेस बताया और इसमें जो प्रोसेस है उसका पहला मरला शुरू हो गया है, और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स पढ़ कर सुनाए, और अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर जो इसकी रायशुमारी कराई जाएगी। तो इस तरह जो दावा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आजम का, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि 187 अफराद जो है मेंबर पंजाब असेंबली वो पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद है, तहम जो ईवान के अंदर जो इतलात आ रही है और जो हमने देखा वो